हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं रेडीमेड पानी पूरी बनाने जा रहा हूँ। तो ये जो पूरी है ये हमें कहीं भी किसी भी शॉप से बहुत ही इजी मिल जाती है, और इसके साथ जो पानी का मसाला होता है वो नहीं मिलता, ओनली 10 रुपीज़ की पूरी मिलती है। और मैंने अलग सा 10 रुपीज़ का MDS का जलजीरा पानी लाया है, इसको हम साथ में इस्तेमाल करेंगे। 10 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का है। अगर हम कहीं शॉप में पानी पूरी खाने जाते हैं तो हमें 10 रुपीज़ के या 5 ही खिलाते हैं या तो 3 खिलाते हैं। मैंने इनको एक बॉल में निकाल दिया है, तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। मैंने तेल गर्म करने के लिए रख लिया है, तो मैं चेक कर लेता हूँ तेल मेरा गर्म हुआ कि अभी नहीं हुआ है। पहले मैं एक पूरी डालता हूँ, अभी मेरा तेल ठंडा है, अभी गर्म नहीं हुआ है। चेक कर लेता हूँ मेरा तेल गर्म हुआ कि अभी गर्म नहीं हुआ। शायद लग रहा है कि मेरा तेल गर्म ही हो चुका है। तो ये देखो पूरा आ गई मेरी पूरी, इसको पलटी कर लेंगे। देखो फुल के रेडी होगी ये गाइस। देखो ऐसी लग रही है जैसे हमने मार्केट में ही पानी पूरी लेते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी लग रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी कढ़ाई में 5 से 6 पूरी डालनी है। ज़्यादा फूल जाएगी तो फिर उसमें जो पलटी करते हम तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। हल्का हल्का इनको हिलाते रहो, बस जो ऊपर फूलती गई उसको नीचे दबाते रहो, अपने आप फूल जाएगी ये। देखो गाइस फूल के तैयार होगी, और हमें गैस की बिल्कुल धीमी आंच रखनी है। तेल गर्म होने के बाद बिल्कुल धीमी आंच में हमें इनको पकाना है। डाल दिए अब इनको, हल्के हल्के हाथों से इनको हिलाते रहो, आराम से इनको तेल में डुबाते रहो। देखो मेरी सारी पूरियाँ फ्राई हो चुकी है, तो ये लास्ट में 2-3 बची है, तो मैं इनको कर ही लेता हूँ। बहुत ही आसानी से फूल चुकी है, ये रेडीमेड पूरी है, वैसे मैक्सिमम सारी पूरी फूल जाती है। तो फिर इनको हल्का हल्का दबाते रहो, ऐसे जितना आप नीचे दबाओगे उतना ही फूलेगी। देखो फूल की कितनी अच्छी बन गई है। ये देखो गाइस पूरी प्लेट मेरी भर चुकी है पानी पूरी से। अब हमें जलजीरा का पानी बनाना है। देखो हम पानी बनाने जा रहे हैं अपने, इसको मैंने पहले ओपन कर दिया, थोड़ा सा थोड़ा और कर लेते हैं इसको। जितना भी आपको पानी बनाना है उस हिसाब से आपको जीरा डाल दो, छोटा सा पैकेट मिलता है। तो हम इसके साथ शुगर डालेंगे थोड़ा सा, तब ये खट्टा मीठा होगा। एक आधी जैसी मुट्ठी डालेंगे इसमें, और नींबू होगा आपके पास अवेलेबल तो हल्का एक नींबू हल्का डाल दिए, उसका टेस्ट अच्छा रहता है। बस ये हो गया, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। तो गाइस देखो मेरी पूरियाँ कितनी अच्छी फूल चुकी है, बहुत अच्छी है। हम पानी बनाने जा रहे हैं, इसे में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। गाइस मैंने आधा लीटर पानी डाल दिया इसमें, और मैं जो जलजीरा डाला इसमें और शुगर डाली है, मैं इसको अच्छी तरह मिला लेता हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें, जितना आपको तीखा करना है, नमकीन करना है, मीठा करना है, जिसको अच्छा लगता है वैसा डालें। अगर इमली है किसी के पास तो अपनी हल्की सी इमली में डाल दे। सबको कोई किसी को गाइस तीखा पसंद लगता है, किसी को खट्टा पसंद करता है, तो आप अपने हिसाब से डालें इसको। हम इसको हिला लेते हैं अच्छी तरह से। देखो मैं लेके आया हूँ, अब इनको हम दही पूरी के साथ खा लेंगे। पानी तो हमारा तैयार है, पानी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम दही के साथ इसको टेस्ट करते हैं, दही के साथ कैसे होते हैं। बहुत ही करारे बन चुके हैं हमारे पानी पूरी। देखो बहुत ही सारे पानी पूरी में मैंने
इनको छेद कर दिए है। अब हम इनमें हल्का हल्का नमकीन डालेंगे और बाद में इनमें दही डालेंगे। दही बल्ला बल्ले जैसा इनका टेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा खाने में। सबके अंदर में हल्की हल्की नमकीन डाल दी है, तो अब हम इसके ऊपर दही डालेंगे। आप इसको अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपको रेडीमेड ओनली पानी पूरी लाना है और जलजीरा और सब कुछ आपके घर में उपलब्ध है। ये देखो हम हल्का हल्का दही डालेंगे इसमें, जितना आपको स्वाद अनुसार आप दही डाल लो इनके अंदर। देखो गाइस पूरा तैयार हो चुका है, सब में मैंने दही डाल लिया, दही बच गया मेरे पास। सब कुछ मैंने अमूल का ही यूज़ किया है, अमूल अच्छा रहता है, तो बहुत अच्छे बन गए। अब हम इनको टेस्टी करते हैं कितने टेस्टी हो चुके हैं। दही पूरी हमारी गाइस ये है, तो जो हमने पानी के साथ इसको खाना है तो हमारे पानी पूरा रेडी है। पानी हमारा बहुत ही अच्छा बन चुका है, हमारे पानी है और हमने चने थोड़े से बॉइल किए थे और ये इनके साथ खाने के। अगर गाइस आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको मेरी पानी पूरी की रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।